हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यहाँ पे मैं उतर चुका था लगभग दुबई में 7 बजे, 7:15 बजे करीब एयरक्राफ्ट से उतरने का। ये सीन आपके सामने जो चल रहा है वीडियो, आप लोगों को मैं सोचा चलो दिखा देता हूँ लाइव कैसे सिस्टम होता है। जो हालांकि जो पुराने लोग होते हैं उनको तो पता ही होता है, लेकिन नए लोग होते हैं उनके लिए एक्साइटेड होते हैं। अभी हम एरोप्लेन से निकल के बस में बैठ चुके हैं, अभी एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। ये देखिए, 7 वाले इंडिया के लोग हैं, लगभग इसमें 90% वर्कर ही तो दुबई में जॉब से रिलेटेड आते हैं, वही लोग हैं। एयरपोर्ट का नज़ारा, अभी बस यहाँ से चल पड़ी है। धीरे धीरे ये 4 मिनट का वीडियो रहेगा, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये दुबई का, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। इंडिया वाला तो इतना बड़ा मुझे लगा नहीं, जो राजस्थान जयपुर वाला था उससे तो ये 4-5 गुना बड़ा एयरपोर्ट है। ये लगभग 7:15 बजे का टाइम है, थोड़ा अंधेरा यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हम रोड पे चल रहे हैं बाहर में, जबकि सच्चाई ये कि एयरपोर्ट का अंदर का सीन है, बाहर तो अभी निकले नहीं है, टाइम लगेगा अभी 10-15 मिनट का। ये देखिए, बसें वगैरह सब अंदर ही हैं। ये बसें वो हैं जो एयरक्राफ्ट आते हैं उनको लेने के लिए, दूर जो दूर उनका स्टॉप होता है उनको लेके एयरपोर्ट तक पहुँचाने का इनका काम होता है। ये बस में बैठ के अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ में। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है ये, सिस्टम भी बढ़िया तरीके से इसका मेंटेन किया गया है। ये गाड़ियां हैं जो लोडर अनलोडर होते हैं सामान को इधर उधर पहुंचाने के लिए, ये बस खड़ी है, पैसेंजर बस आई है। ये नाइट का नज़ारा ही कुछ अलग ही दिखता है साथियों। ये देखिए, सब पैसेंजर बस आई है, इस पर बत्ती वगैरह लगी होती है, इनका निशान होता है, ये अपनी भाषा में इनको अलग ही कुछ बोलते हैं। ये गाड़ियाँ वगैरह सब अंदर की अंदर ही हैं, ये बाहर नहीं जाती हैं, अंदर की अंदर ही हैं। इधर से उधर सवारियों को लेके आने में वीआईपी लोगों के लिए अलग से बसें होती हैं, साधन होते हैं, वो अलग अलग खड़े होते हैं इसमें। ये देखिए, ये एयरपोर्ट दिख रहा है आपको, रात को रोशनी में बहुत ही सुंदर नज़ारा एयरपोर्ट का दिख रहा है। ये बसें आ रही हैं सवारी लेने के लिए, छोड़ने के लिए। ये देखिए, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, देखने में सुंदर लग रहा है ये। मैं सोचा चलो वीडियो के अगर शूट कर लेते हैं तो आप लोग भी देख लोगे जो इंडिया में बैठे हैं। ये फॉर्चुनर गाड़ी है जो इंडिया में बड़ी फेमस है, यहाँ पे तो नॉर्मल आदमी ये जो वर्कर है इनके पास होती है। दुबई में गाड़ियों की भरमार है, बहुत गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो नॉर्मल वर्करों के पास होती हैं। ये आप देख सकते हैं, अंधेरा हो चुका है लेकिन फिर भी वीडियो शूट ठीक हो रहा है, दिख रहा है इसमें आराम से। ये अंदर का नज़ारा है, अभी थोड़ी देर में हम एयरपोर्ट की तरफ पहुंच जाएंगे, 1-2 मिनट के बाद में, क्योंकि लंबा सफ़र है। हमारी एयरक्राफ्ट बहुत दूर ही लैंड हुआ था, इस वजह से देखिए कम से कम 2-3 मिनट का रास्ता है। 40-50 की स्पीड में बस चल रही है, तो आप देख सकते हैं लगभग 1 किलोमीटर दूरी हमें स्टॉप कर दिया गया था, वहाँ से बस में चढ़ाया गया। ये आप देख सकते हैं 4x4 की रोड है यहाँ पे। ये बड़ी बड़ी बसें हैं जो अंदर के जो पैसेंजर होती हैं उनको छोड़ने के लिए, लेके जाने के लिए होती हैं। ये देखिए, अभी हम नज़दीक पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट के पास में। ये देख सकते हैं, ये वहाँ के बसें हैं, गाड़ियाँ हैं सामान को लेके ले जाने के लिए जो होती हैं अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये अब यहाँ पे घुमावदार जो चौराहा है जिसको अपन बोल सकते हैं, ये आ रहा है। यहाँ से अपन ने ट्रेन लिया वापस, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से देखो प्लेनें भी, एयरक्राफ्ट भी दिखाई देंगे अपने को, दुबई का, एयर एशिया वगैरह बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो वेटिंग में खड़े होते हैं। आपको तो पता ही है स्टैंडों पे बसें खड़ी होती हैं, वैसे इनको भी तो खड़ा होना पड़ता है ना। जैसे छूट, ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये, देखिए दूर दूर तक रोशनी दिख रही है ना, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। मैं बस से अंदर खड़े होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ, आगे मेरे ग्लास लगा है तो थोड़ा सा अंधेरा है। ये देखिए एयरक्राफ्ट, ये आ गई एशियन एयर एशिया, ये एयरक्राफ्ट हैं, इनका साफ सफाई का काम चल रहा है। ये देखिए दुबई एयरक्राफ्ट आ गया इधर, इनका साफ़ सफाई का काम होता है, मेंटेनेंस वगैरह होते हैं, वो वर्कर इनको छोटी मोटी जो कमी होती हैं उनको दूर करने का, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्की जिसको बोल सकते हैं वहाँ ना, ये दुबई के, ये सब दुबई के एरोप्लेन खड़े हैं यहाँ पे, टोटल एयरक्राफ्ट दुबई से हैं। ये हम यहाँ पे पहुँच गए एयरपोर्ट के लिए, अंदर जाके आगे शूट करते हैं वीडियो, दिखाता हूँ आपको।